नमस्कार, कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जेठ माह में सुनी जाने वाली परम पावक इस कथा को सुनाने मात्र से हमारे सभी कार्य पूरे होते हैं और अंत में हमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दर्शकों, इस मोक्षदायिनी कथा को हम आपको सुनाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, महर्षि स्कंद अपने शिष्यों को जेठ माह का महात्म्य बताते हुए बोले, इस परम पुनीत माह में जल पिलाने का विशेष महत्व होता है। इस माह में अल्प दान भी दीर्घ फलदायी माना जाता है। जेठ माह में अगर सच्चे मन से श्री हर विष्णु की पूजा कथा सुनने और सुनाने से हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस माह में अन्नदान, फलदान, जलदान, पंखा दान और जूता अथवा चप्पल का दान करने से व्यक्ति को अपार सुख की प्राप्ति होती है। दर्शकों, इस माह में यदि चंदन दान किया जाए तो देवता, ऋषि मुनि और पितृ प्रसन्न होते हैं। निर्जन क्षेत्र में प्राणी मात्र की प्राण रक्षा हेतु जल का दान करना चाहिए व छायादार वृक्ष लगाएं। जहाँ भी पानी की कमी हो वहाँ जगह जगह प्याऊ लगवाएं। आगे ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, जो भी मनुष्य सक्षम होते हुए जेठ माह में जल जैसा सुलभ दान नहीं करता वह मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोग कर अंत में पपीय की योनि को प्राप्त होता है। इस विषय में तुम्हें मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में महेश्मति पुरी नगरी नामक स्थान में वेद शास्त्रों को जानने वाले सुमित्र नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। उनके पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के उद्देश्य से वन में गए और श्री हर विष्णु का ध्यान कर एक सरोवर से जल पीकर सरोवर के किनारे वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का ध्यान करता हुआ लेट गया। उसे नींद आ गई। अब तो जो भी जीव जंतु वहां जल पीने आता उसके डर से भाग जाता। इस प्रकार वह जानवर जल से वंचित रह गए और छोटे मोटे जानवरों ने तो प्यास के कारण अपने प्राण ही त्याग दिए। जब सूर्यदेव अस्त हो जाने पर वह ब्राह्मण अपने घर वापस गया, अनजाने में उससे हुआ पाप भी उसके साथ आ गया। कुछ समय पश्चात ही वह ब्राह्मण अस्वस्थ रहने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण की पत्नी भी पुत्र और गृह त्याग कर ब्राह्मण के साथ सती हो गई। अनजाने में हुए पाप के कारण वह ब्राह्मण नरक की यातना भोग कर पपीहे की योनि को प्राप्त हुआ और उसकी पत्नी भी उसी योनि को प्राप्त हुई। दोनों चातक और चातकी योनि प्राप्त कर अपने पुत्र के घर के पास ही एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्मों के पापों को याद कर जोर जोर से रोता। उसके पुत्र उसके रोने की आवाज सुनकर उसे वहां से भगाने का प्रयास किया, परंतु चातक का रुधन बंद न हुआ। थक कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष में ही आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख झुलस गए और वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और आपस में अपने कष्टों को कहने लगे। जब उसके पुत्र ने उनकी बातें सुनी तो उसे बड़ा ही विस्मय हुआ। अरे, यह तो मेरे ही माता पिता हैं। उसी क्षण वह ब्राह्मण पुत्र ऋषि मुनियों के आश्रम गया और अपने माता पिता का समस्त वृतांत सुनाया और उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म में अनजाने में किया गया पाप है, इसकी मुक्ति के लिए जल दान करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता को निमित्त निर्जल जन में प्याऊ जलाशय का निर्माण करवाया, जहाँ पर आने जाने वाले मनुष्य पशु पक्षी जल पीने लगे। उसके पुत्र के इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक चातकी की योनि को छोड़कर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर वैकुंठ धाम चले गए।
इस प्रकार जेठ मास में जल का अत्यधिक महत्व है। जो भी मनुष्य इस पवित्र माह में जीव जंतु मनुष्य आदि के लिए पानी की व्यवस्था करता है वह इस लोक के सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए सभी भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।